इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं। वीडियो शुरू करने से पहले आप ज़रा इस स्क्रीनशॉट को देखो। मैंने पिछले एक वीक में 189 फॉलोअर्स इंक्रीज़ किए या फिर गेन किए अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये तो हम भी कर लेंगे फॉलो अनफॉलो ट्रिक को यूज़ करके या फिर फेक फॉलोअर्स को इंक्रीज़ करके। दोस्तों मैंने ये ना तो इसमें फॉलो अनफॉलो ट्रिक यूज़ की है ना फेक फॉलोअर्स हैं, ये मेरे जेन्युइन रियल एंड ऑर्गेनिकली इंक्रीज किए हुए इंगेजिंग फॉलोअर्स हैं। मतलब कि ये फॉलोअर्स मेरी रील की रील भी लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं, मेरी स्टोरी लाइक भी करते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे हो कि भाई ऐसे फॉलोअर्स तो हमें भी चाहिए, हमको भी दे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है, अगर मैं एक मिस्टेक नहीं करता तो आज ये मेरे 189 फॉलोअर्स 1000 फॉलोअर्स होते। अगर आप भी वो मिस्टेक नहीं करना चाहते दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आपने इस ट्रिक को यूज़ करते टाइम कोई भी मिस्टेक कर दी तो आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो ठीक है दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। लेकिन दोस्तों सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर ही हैं जिनका अकाउंट कभी भी फ्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स का हमेशा ख्याल रखता हूँ, उनको नई नई ट्रिक्स देता रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम पर कि जिससे कि उनका अकाउंट कभी फ्रीज ना हो। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि आप मेरे सब्सक्राइबर बन पाओ एंड आपका अकाउंट कभी फ्रीज ना हो। एंड अब उस ट्रिक के बारे में आपको बताता हूँ। पहले तो ये बताओ कि फॉलोवर्स किस किस को बढ़ाने हैं। जिसको फॉलोवर्स बढ़ाने वो कमेंट में लिखो मुझे फॉलोवर्स बढ़ाने एंड वीडियो को लाइक कर दो। एंड अब ज़रा इन तीन पोस्ट को ध्यान से देखें दोस्तों, इन तीनों पोस्ट को ध्यान से पढ़ो, इन पर लिखा गया है। पढ़ लिया? नहीं पढ़ा तो ज़रा वीडियो को पॉज कर एक बार पढ़ लेना। इन तीनों पोस्ट में एक चीज़ कॉमन क्या थी ज़रा आप एक बार ध्यान से देख के बताओ कॉमन क्या थी। वीडियो को पॉज करो, ध्यान से देखो कि इसमें कॉमन क्या बात थी। मैं बताता हूँ, इन तीनों पोस्ट में एक बात कॉमन थी कि इसके अंदर जो उन्होंने वैल्यू दी है ना, वैल्यू दी है वो तो सही है, लेकिन जो वैल्यू के बाद उन्होंने लिखा है कि ऐसी और पोस्ट के लिए हमें फॉलो करें, मतलब कि CTA कॉल टू एक्शन दिया है। मैं दोस्तों मैंने ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी अपनी रील्स के अंदर कॉल टू एक्शन दिया तब जाके मेरे 189 फॉलोअर्स इंक्रीज हुए। एंड अगर आप भी इंस्टाग्राम पर रील बनाते हो तो आपको कॉल टू एक्शन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करने के बाद एक परफेक्ट रील बनाते हैं एंड अगर आप उसमें कॉल टू एक्शन नहीं दोगे तो लोग आपकी रील पर आएंगे, रील देखेंगे एंड चले जाएंगे, आपको फॉलो नहीं करेंगे। तो आपका रील बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं ना। तो वही चीज़ है, इस बंदे ने अपनी पोस्ट में कॉल टू एक्शन दिया एंड जो भी बिजनेस पेज है इसका, इसने कॉल टू एक्शन दिया तब जाके लोगों ने इसके पेज को फॉलो किया एंड आज इसके पेज पर 90,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं सिर्फ पेज इसी कॉल टू एक्शन के बावजूद। एंड इसी कॉल टू एक्शन को मैंने अपने रील में यूज़ किया एंड मेरे 189 फॉलोवर इंक्रीज हुए। लेकिन मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने जिस रील में ये बताया था उस रील को बनाने के बाद मैंने अपनी रील की नीच ही चेंज कर दी थी। बहुत मजाक की बात है कि भाई मैंने नीच चेंज कर दी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से उस नीच पर वीडियो बनाया जा रहा था, वीडियो बनाया जा रहा था बट मेरी कोई रील वायरल नहीं हो रही थी, मेरे फॉलोवर्स इंक्रीज नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब ज़रा नीच चेंज कर देते हैं। जैसे ही मैंने नीच चेंज की तो वैसे ही मेरी रील हो गई वायरल एंड मेरे पास आ गए फॉलोवर्स। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी दोस्तों, इसकी वजह से मेरा अकाउंट एक बार के लिए फ्रीज भी हो गया था, मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन जब मैंने लगातार उसी नीच पर वर्क किया तो मेरी अकाउंट भी अनफ्रीज हो गया। एंड आप दोस्तों ये गलती मत करना, आपका अकाउंट डेड भी हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ऐसी और इंस्टाग्राम से रिलेटेड टिप्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हम मिलते हैं किसी और वीडियो में।